हमनाबाद की आवाम के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है, हमनाबाद की जनता के लिए बहुत। हमनाबाद क्षेत्र में 101 टक्का सीएम फयाज एमएलए हो जाएगा, क्योंकि हमनाबाद का एक बहुत बड़ा चेहरा है अंकुश गोगले और जमील खान साहब, उनकी टीम पूरी आज जेडीएस पार्टी में ज्वाइन हो चुकी है। राजशेखर पाटिल का ऐसा 3 इलेक्शन यही सिद्धू पाटिल उनके साथ में लिखे कंप्लीट इलेक्शन लड़ने वाले सिद्धू पाटिल कांग्रेस में थे, आज का दिन उसका भाई बाहर आ गया है, आज बीजेपी आ गया है, तो पैदा तो एक ही घर में हो गए और कांग्रेस बीजेपी भी एक को पैदा हो गए। जनता दल सेकुलर में ज्वाइन होने का, शमूलियत होने का फैसला कर लिया है। वेलकम टू इंडियन न्यूज़, मैं हूं कयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हमनाबाद में आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम जो मौजूद हैं अंकुश गोगले साहब के मकान पर, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमनाबाद की आवाम के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है, हमनाबाद की जनता के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अंकुश गोगले जो बीएसपी पार्टी से छोड़कर रिज़ाइन देकर आज जेडीएस पार्टी में, सीएम इब्राहिम साहब जेडीएस पार्टी की जो अध्यक्ष हैं, सीएम इब्राहिम साहब जो एमएलए कैंडिडेट हैं जेडीएस पार्टी से, सीएम फैज साहब की मौजूदगी में अंकुश गोगले और जमील खान साहब और उनकी पूरी टीम जेडीएस पार्टी में ज्वाइन हो चुकी है। हम आपको बताते चले कि पिछले 2013 में एमएलए इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किए थे, क्योंकि हमनाबाद का एक बहुत बड़ा चेहरा है अंकुश गोगले और जमील खान साहब, उनकी टीम पूरी आज जेडीएस पार्टी में ज्वाइन हो चुकी है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी को लेकर अंकुश गोगले साहब फिर जमील खान साहब क्या कहते हैं। तो इसी तरह के न्यूज देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज पीएनएन 24 न्यूज पर। थैंक यू। बोलना एला हमनाबाद मत बंदवरिगे नान नमस्कार। नानु अंकुश गोगले ईगागले ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. 2010 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಜಮೀಲ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರ, ವಾಲಿಯರ್ ಇದ್ದಾರ, ಗದ್ದರ್ ಇದ್ದಾರ, ಸಿಂಧೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಧೆ, ವೈಜಿನಾಥ್ ಸಿಂಧೆ, ನಮ್ಮದು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ತುಕಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿಯವರಿದ್ದಾರ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಾವು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವೇನದ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2013 ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ 2013-18 ಭಾಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ತೆರೆಸೆ ಲೇಖೆ ಅಟ್ರತಕ್ಕ ಹಮ್ ಜೋ मूवमेंट करे है पूरा तमाम जिले का, हर कम्युनिटी, हर तरह का जो लोगों का समस्या थे वो सभी लेके हम डिस्ट्रिक्ट में जो मूवमेंट करे है. उसके बाद 2018 में इलेक्शन आया, उस समय पे होना बोल के इंटेंशनली बहुजन समाज पार्टी ने हमारे को टिकट कट कर दिया. उसके बाद भी हम इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करें, बाद में हमने बीएसपी को और रिज्वाइन होने के बाद अब तक लोगों का हर नमूने का इश्यूज लेके हम स्ट्रगल करें, इसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने हमको टिकट देने के लिए इनकार कर दिया और वो टिकट के लिए 50 लाख रुपए डिमांड रखा गया. तो इसके लिए हम इतना हमारा खून पसीना एक करके हम पार्टी के लिए इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमको पार्टी ने 50 लाख रुपए डिमांड रख के टिकट दे तो बोले, इसलिए वो उसको हम रिज़ाइन करके आज का दिन जो जेडीएस के राज्याध्यक्ष और बंडेप्पा काशमपुर साहब दोनों मिलके हमारा घर को आए, हमारा सभी कार्यकर्ताओं के साथ बात करके हमारा डिमांड जो जो अब तक जिले में इश्यूज़ लेके, लोगों का इश्यूज़ लेके हम जो मूवमेंट करें, वो इश्यूज़ आप जीत के आने के बाद, आपका सरकार आने के बाद भी ये कंप्लीट होना बोल के हमने डिमांड रखा गया. वो डिमांड को
सीएम इब्राहिम साहब और बंडेपा काशमपुर साहब दोनों मान गए और साथ साथ हमारा जो पदाधिकारी है हमारा साथ आने वाले, उनको आने वाला दिनों में जो इलेक्शन आएगा टीपी झेडपी जो भी आएगा हमारे को भी हमारा कार्यकर्ताओं को भी एज ए रेस्पेक्ट के लिए उनको भी एक स्थान देना उनको भी सम्मान देना बोल के हमने बोल दिया। तो सभी हमारा जो लोगों का इश्यू से लेके हमारा कार्यकर्ताओं का भी इश्यू से लेके सबको भी उन्होंने मान गए। तो उस मानने के बाद हमने जेडीएस को ज्वाइन करने के लिए हम मान गए। आज का शाम में सुपर फंक्शन हॉल में सिंपल में ज्वाइनिंग प्रोग्राम में हमने सभी जो बीएसपी छोड़ के बाहर आ गए सभी आज शाम में जेडीएस में शामिल हो रहे ज्वाइन हो रहे। दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे आप? तो दूसरी पार्टी इस देश में कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू है, एक ही माँ के दो बेटे हैं देश में और राज्य में और हुमनाबाद क्षेत्र में हकीकतली एक ही कुटुंब का दो सदस्य है। सालों ऐसा 50 साल तक एक ही कुटुंब में पैदा होके राजशेखर पाटिल का ऐसा 3 इलेक्शन यही सिद्धू पाटिल उनके साथ मिलके कंप्लीट इलेक्शन लड़ने वाले सिद्धू पाटिल कांग्रेस में थे। आज का दिन उसका भाई बाहर आ गया है, आज बीजेपी आ गया है। तो पैदा तो एक ही घर में हो गए और कांग्रेस बीजेपी भी एक को पैदा हो गए। सिद्धांत भी बहुजन का विरोध में है, बहुजन माने बहुजन समाज पार्टी नहीं है। इस देश में दबे हुए पिछड़े हुए दलित मुस्लिम आदिवासी जो ओबीसी छोटा माइनॉरिटी छोटा ओबीसी ये कम्युनिटी को जो सत्ता से दूर रखा गया है ये कांग्रेस और बीजेपी, उसका खिलाफ हमारा मूवमेंट है। तो उसके अंदर जाने का वो बात ही पैदा नहीं होता। आने वाले आप दिनों में आपको क्या लगता है कि जेडीएस इस बार हुमनाबाद में कामयाब हो पाएंगे? 100% इस हुमनाबाद क्षेत्र में 101% सीएम फयाज एमएलए हो जाएगा। आज का दिन हम लोगों के लिए एक खुशी का दिन इसलिए है कि आज बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे हुमनाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हो या बसो कल्याण हो या बीदर साउथ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे तमाम बहुजन समाज पार्टी के साथी पार्टी को छोड़कर आज जो है ना जनता दल सेकुलर में ज्वाइन होने का शमूलियत होने का फैसला कर लिया है। वैसे भी दो दिन पहले हुमनाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हम लोग जब बीएसपी में थे उसकी एक मीटिंग किए थे, प्रेस मीटिंग बुलाए थे। उस प्रेस मीटिंग में अंकुश गोखले साहब हुमनाबाद असेंबली के अध्यक्ष जो अब माजी अध्यक्ष हैं वजना सिंधे जी, मैं और हमारे साथी बहुत सारे लोगों ने प्रेस मीटिंग करके बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिए थे। उसके बाद से लेकर आज तक हम लोगों को कांग्रेस बीजेपी आम आदमी MIM और बहुत सारी पार्टियों से ऑफर आ रहे थे कि भाई हमारी पार्टी में ज्वाइन हो जाओ, हमारी पार्टी में ज्वाइन हो जाओ, हमारी पार्टी में ज्वाइन हो जाओ। तो हम लोगों ने हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग करके मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि सबसे बेहतर ये होगा कि जनता दल में अगर शमूलियत इख्तियार करेंगे तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेंटेलिटी, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों की और जनता दल के लीडरों की मेंटेलिटी मैच होंगी और हम वो लोग मिलकर काम करेंगे तो ना सिर्फ हुमनाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बल्कि बीदर ज़िले में पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बीदर ज़िले के छः असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जनता दल के उम्मीदवारों को हमारे कार्यकर्ताओं से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। फ़ायदा ही नहीं बल्कि जो कैंडिडेट जनता दल के फाइट कर रहे हैं
उनको जीत मिलेंगी बोल के मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। वैसे भी आज अभी अंकुश गोखले साहब के मकान में सीएम इब्राहिम साहब और बंडेपा कासिमपुर जी और यहाँ के कैंडिडेट सीएम फैज साहब और उनके तमाम साथी लोग बहुत देर से बैठकर ये चर्चा कर रहे थे कि आप लोगों के कुछ कंडीशन हैं क्या, तो हमारे तरफ से ये बताया गया कि हम लोग जो 10 सालों से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, जो मूवमेंट चला रहे हैं, उस मूवमेंट को हमारे मूवमेंट को कंटिन्यूशन करके फुलफिल करने की बात हुई है। जैसा कि अलीगढ़ बीएसएस के शुगर फैक्ट्री को फिर चालू करना, ये एक हमारा पहले से भी एजेंडे में है। वैसे भी बहुजन समाज पार्टी में जिस वक्त हम थे, तीन चार साल पहले की बात है, हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी उमनाबाद से अलीगढ़ तक पैदल जाकर वहाँ एक धरना प्रदर्शन करे थे कि किसानों के लिए ये जो शुगर फैक्ट्री अलीगढ़ की है, ये एक बहुत बड़ा एक ख़जाना है, इस ख़जाने को बंद मत करो जिससे बीदर ज़िले के किसानों का नुकसान होगा, बोलकर वो चालू करने के हित में गए थे। उसके बारे में भी आज जनता दल के स्टेट प्रेसिडेंट और हमारे बंडेपा कासिमपुर साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आपके वो एक बात को हम जो है ना सरकार में रहने आने के बाद उसको बिल्कुल से चालू करने का काम करेंगे बोलकर वादा किए हैं। दूसरी बात, जो बगैर हुकुम सागोड़ी हम लोगों ने जो बहुजन समाज पार्टी में थे उस वक्त करीब करीब 500 से 700 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने जिनको दिलाया है उनको कंटिन्यू कर देना बोलकर ये एक बात रखी गई है। फिर उसके बाद हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के एमएलए कैंडिडेट दो मरतबा इलेक्शन लड़े थे अंकुश गोखले जी को, एक स्टेट में एक अच्छा सा सीएम फैज साहब ने ये कहा है कि सुपर फंक्शन हॉल में आज कोई लोग उनके कार्यकर्ता इफ्तार पार्टी रख रहे हैं, लिहाजा हमको भी उस इफ्तार पार्टी में आने की दावत दी गई है और वहाँ पर सिंपल से ज्वाइनिंग प्रोग्राम यानी कि जितने हमारे साथी हैं सभी लोग ज्वाइन होंगे सुपर फंक्शन हॉल में इफ्तार पार्टी के मौके पर, ये आश्वासन दिया गया है। अब मैं समझता हूँ कि ये हमारे लोग जुड़ने की वजह से बहुजन समाज पार्टी के जितने भी हमारे साथ में पदाधिकारी कार्यकर्ता अभिमानी लोग थे, ये हमारा एक वोट बैंक था, लिहाजा ये एक वोट बैंक की एक हमारी पोटली समझिए, एक 15 से 18 हज़ार या करीब 20 हज़ार के वोट बैंक हम ला के जनता दल वालों के सामने रखे हैं। अब उन्हों वो लोग जो मेहनत करेंगे जितने भी वोट के लिए समझिए 60 हज़ार 70 हज़ार वो अपने तौर पर ले रहे हैं, तो उसमें ये हमारी तरफ से 20 हज़ार उसमें जोड़ी है। अगर वो 60 ले रहे हैं तो हमारे 20 मिलाकर 80 हज़ार होंगे, अगर वो 70 ले रहे हैं तो हमारे 20 मिलाकर उनके 90 हज़ार होंगे। लिहाजा टोटली एक इजिकल टू ये हम समझ में आ रहा है। पहले आपकी पार्टी कितने वोट लेंगी? इस पहली मरतबा जब हमारे कैंडिडेट खड़े हुए थे तो उस वक्त हमारी पार्टी 9 हज़ार रही थी कि इस साल यानी कि नेक्स्ट टाइम जो 2018 का इलेक्शन हुआ था उसमें बहुजन समाज पार्टी ही जीत सकती है, यहाँ तक लोगों का ओपिनियन आ रहा था। लेकिन ऊपर लेवल से जो एडजस्टमेंट हुआ यानी कि अलायंस हुआ जनता दल और बीएसपी का, उस वक्त हमारा कैंडिडेट बीएसपी का यहाँ पर नहीं रहा और हम लोग भी जो है ना उस वक्त जनता दल के जो कैंडिडेट थे, जो अलायंस के उम्मीदवार थे, नसीमुद्दीन पटेल साहब थे, उन्होंने कभी भी आकर बहुजन समाज के हम लोगों से किसी से मुलाकात नहीं की, वो लोग जो ना फ़ोन भी नहीं करे, ना ही हमसे और ना ही हमारे नेता से आकर मिले कि भाई तुम्हारा हमारा अलायंस हुआ है मिलकर काम करेंगे बोलकर, ऐसा कभी भी बात नहीं हुई। इसलिए उस वक्त का वो टाइप का रिजल्ट आया जो आप लोगों ने देखा है। अब आज के डेट में हम लोगों ने जो मेहनत की थी, जैसा कि जो बेड़ जंगम के सर्टिफिकेट के बारे में एमएलए साहब जो लेटर दिए थे गवर्नमेंट को, उसके विरोध में जो प्रदर्शन किए थे हमारे अंकुश गोखले जी और हम सभी लोगों ने, उस वक्त करीब 8 से 10 हज़ार लोग
हुमनाबाद में अम्बेडकर सर्कल पर जमा होकर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद भी हमारी पार्टी जब हम इलेक्शन लड़ने के मूड में थे तो पूरे विलेज विलेज घूमकर एक एक आदमी तक अप्रूच होने का काम किए थे। हम लोग नॉमिनेशन डालने का ऐलान भी करे थे 18 तारीख को, लेकिन हमारे हाईकमान बेंगलुरु की तरफ से टिकट ना देने या वो टिकट देने के लिए जो एक्सपेंसेस मांग रहे थे बहुत ज़्यादा थे, 30-40 लाख 50 लाख के करीब का उनका डिमांड था। इसलिए हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आज जनता दल सेकुलर में सीएम इब्राहिम साहब, बंडेपा खासिमपुर और उनके पार्टी के तमाम सीनियर छोटे बड़े पद अधिकारियों के सामने अंकुश गोखले साहब के घर में जो कुछ भी मुख्तसर बात हुई और आज शाम में जो है ना सुपर फंक्शन हॉल में